किसी वक्त भी कोई भी हादसा हो सकता है। इंतजामिया जो है कोई भी सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। हम कहते हैं यार छत गिर रही है, ये गिर रहा है। एक फ्लोर तक कचरा आ चुका है। कंप्लेन करी थी यूनियन से, लेकिन यूनियन वालों ने हमें साफ बोल दिया कि हम सिर्फ पानी के पैसे ले रहे हैं। यूनियन हमारी सही नहीं है, आते ही 1000 रुपए कर दिए। हमारे से यूनियन पैसे जो हर महीने लेके जाती है, तो ये उनका काम है ना करना, ये हमारा तो काम नहीं है ना। आप देख लिए इस जीने की क्या हालत हो रही है। गटर का पानी खूब भरता है यहाँ से, ऊपर से ब्लॉक गिरते हैं। अस्सलामुअलैकुम, प्रोग्राम सीधी बात फातिमा अख्तर के साथ, मैं हूँ फातिमा अख्तर। इस वक्त मैं मौजूद हूँ FC एरिया में, और मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये जीनत स्क्वायर है। यहाँ से अहले इलाका और जो फ्लैट्स के मकीन हैं उनकी तरफ से हमें शिकायत मौसूल हुई है कि इस बिल्डिंग में दरारें पड़ चुकी हैं और कोई भी हादसा किसी भी वक्त खुदा नखास्ता पेश आ सकता है। क्या मसला है, क्या सच है, क्या झूठ है, हम ऊपर जाते हैं और आपको सच दिखाते हैं, तो मेरे साथ चलिए। देखें कि अभी मैं अंदर हो आई रही हूँ, ये हाल देखें आप, ये बिजली के मीटर्स लगे हुए हैं, ये गंदगी है, ये चीज़ें आप देख रहे हो, यहाँ दरारें पड़ी हुई हैं, तो ऊपर का क्या हाल होगा। ये देखें, ये हाल है। तो जो रिहायशियों ने कहा है वो सच ही कहा है। ऊपर चलते हैं, देखें क्या सिचुएशन होती है। इस वक्त मैं चढ़ी हूँ फर्स्ट फ्लोर पर, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ से ऊपर से पानी गिर रहा है, और ये देखें ये हाल है, दरारें पड़ चुकी हैं, तो ऊपर का क्या हाल हो। तो ये हम आ चुके हैं और हम आपको दिखा रहे हैं कि ये बहुत ही कोई डेंजर, जिसको कहते हैं ना, शायद मैं ये कहूँ तो गलत ना होगा कि जान पर खेल कर हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, क्योंकि किसी वक्त भी कोई भी हादसा हो सकता है। यहाँ की जो रिहायशी है उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप मुझे बताएं ये मामला तमाम तर है क्या। ये देखें यहाँ पर इंतजामिया जो है कोई भी सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। हम कहते हैं यार देखें पानी गिर रहा है, ये छत गिर रही है, ये गिर रहा है, कोई सुनता ही नहीं है हमारी। हम लोग ने कहा चलो अपने तौर पर काम करवा लेते हैं, यहाँ पर अहले मोहल्ला मिल के करवा लें, तो मैं राज़ी हो रहा हूँ, तो मेरे से नीचे वाला राजी नहीं हो रहा। ठीक है, अहले मोहल्ला तो हम बात करेंगे अभी उनसे भी, वो तो अपनी जान, ये तो जान का ख़तरा है, ये तो बहुत ही खस्ता हाल है। हम दिखाएंगे आपको प्रोग्राम में तमाम तरह सूरत हाल, सिर्फ ये खस्ता हाल नहीं है, ये मतलब ये किसी वक्त भी, इस वक्त भी शायद गिर सकता है। और ये मगर जो ये जो गंदगी है, आप अंदर मैं आपको दिखाऊँगी, अभी तो हम पहले इनसे बात कर लेते हैं। बहुत कचरा है, इतना कचरा है। सर यूनियन कहाँ है इस स्क्वायर जो है, ये इसका पहले नाम बताया मुझे। जीनत स्क्वायर। जीनत स्क्वायर में कितने फ्लैट्स हैं भाई? ए बी ए, बी ए, सी ए, ये ओल्ड है, बाकी न्यू क्लास कहलाती है, ये बी क्लास कहलाती है। तो यहाँ पर जितने भी फ्लैट हैं इनका यही हाल हुआ। एक एक स्क्वायर इसमें कितने ए सेक्शन में? 16 फ्लोर है। 16 यानी कि फैमिलियाँ रहती हैं, एक तरफ 8, एक तरफ 8, 16। ये मैं तो देख रही हूँ कि हर सब तरफ का यही हाल है। नीचे का कचरे का हाल देखें जाके तकरीबन जो है ना एक फ्लोर तक कचरा आ चुका है। ये तो सर किसी भी वक्त भी, मैं फिर कहूंगी तो अभी भी शायद गिर सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यूनियन है यहाँ पर? हाँ यूनियन है यहाँ पर, यूनियन के तकरीबन 4-5 हैं, एक सलीम साहब भी हैंगे यहाँ पर, और एक फैयाज भी है, और 2-4 जने और भी हैं। आगे स्टेट एजेंसी है, वहाँ पे सब लोग बैठे हुए होंगे। आरिफ गोश वाली की दुकान है, स्टेट एजेंसी है, वहाँ पे भी बैठेगा, उनसे भी पता करें क्या हाल हुआ हुआ है, क्या क्या क्या। मेंटेनेंस के आप लोग पैसे देते हैं? हाँ मेंटेनेंस के पैसे देते हैं, कचरे के 300 रुपये हैं, और यहाँ पे कहते हैं हमने तो सिर्फ पानी चढ़ाने के लिए में 700 रुपये देते हैं जी। तो ये तो आपका फ्लोर ये है, ये बिल्कुल आपका घर है, ये तो किसी वक्त भी गिर जाएगा, आप कैसे रहते? बस मजबूरी है, हमारा कोई और घर नहीं है, तो यही है, रिक्स पे रह रहे हैं, और क्या कर सकते हैं। यूनियन से आप लोगों ने जिस तरह से बता रहे हैं, सब कंप्लेन करी थी यूनियन से, लेकिन यूनियन वालों ने हमें साफ बोल दिया कि हम सिर्फ पानी के पैसे ले रहे हैं, इवन के कचरे के भी आपको अलग से 300 देने पड़ेंगे,
इस वजह से सिर्फ हमारा काम है पानी में असर करना। अभी आप यहाँ देखें, यहाँ से कितना पानी गिर रहा है, इनके घर में जाता है। इन्होंने बोला हम यूनियन नहीं देंगे, ये नहीं करेंगे, आप काम करवाए नहीं करवाया। उसमें देखें, जब ये पानी पीछे से यूनियन का चलता है ना, तो और तेज़ी से गिरता है, हमें इससे ही पता चलता है कि पानी आ रहा है। अच्छा, आप जिस तरह से वो आपके कौर रहायशी बता रहे थे, वो कह रहे थे कि हमने यूनियन से 12 बार बोली, मगर फिर क्या आप लोग ने इसकी कंप्लेन पुलिस स्टेशन में या मुतल्लिका इदारों में की कि इस तरह का हाल है, कभी भी कोई हादसा पेश आ सकता है? अभी तो हमने नहीं करी। देखें, हम सब यहाँ जितने भी रहने वाले हैं गरीब आवाम है, ठीक है ना, हमें इस चीज़ का पुलिस कोई स्टैंड ना ले ले। इस वजह से हम ये चाह रहे हैं हमारी मोहल्ला कमेटी या यूनियन कमेटी मिलके यहाँ का काम करवा ले, थोड़ा क्या कहते हैं ना, बेहतर हो जाए। इसलिए मंथ बाय मंथ थोड़ा थोड़ा काम करवा के बेहतर हो जाए। लेकिन यहाँ के रिहायशी एग्री नहीं होते, यहाँ के जो रिहायशी ना, एक रिहायशी तो चले ठीक है, मगर यूनियन का काम तो यही होता है। यूनियन बनती इसलिए कि ताकि मोहल्ले की या जो फ्लैट के जो जो जिस चीज़ के वो यूनियन का मेंबर बन रहे हैं, वो उसमें हल करवाएं, मसले हल करवाएं। नहीं, वो यूनियन तो क्लियर मना करती है कि हम इसमें कोई भी आपका नहीं करेंगे काम। मुझे ये बताइए, यूनियन का, यूनियन में जो अफराद उनके नाम? यूनियन में फयाज है और सलीम भाई हैं और एक और हैं कोई नईम भाई हैं, बस ये तीन हैं जो मेन हैं जी। तो ये देखिए, मैं अब प्रॉपर आपको अब चीज़ें दिखाऊंगी। ये किसी भी वक्त, मतलब ये खस्ता हाल है, बहुत खस्ता हाल है, ये गिर जाएगा। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि ये सिर्फ खस्ता हाल है, पूरे फ्लैट का ये हाल है। यूनियन कोई काम नहीं करती, पैसे लेती है। दूसरी बात, नीचे जो हम दिखा रहे हैं आपको, एक फ्लोर तक कचरा है, इतना कचरा, इतना ताफून फैल रहा है यहाँ पर और इतनी शदीद बदबू है, मगर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। देखो, रोज़ाना क्या मसले होते हैं, हम यही कहते हैं कि एक तो कोई साथ नहीं देता यहाँ पर, और हमारे यहाँ की वही बात है कि अगर मैं किसी के लिए बोलूँगी तो मैं पकड़ी जाऊँगी। अब हैं आंटी, अपने हक के लिए बोलना क्या, किसी को पकड़ना है? आप गलत काम कर रही हैं। नहीं, गलत काम नहीं कर रही, हमारी यूनियन भी सही नहीं है। तो यूनियन का ही जिम्मेदार? यूनियन आई है, यूनियन हमारी सही नहीं है। आते ही 1000 रुपये कर दिए, फिर 700 कर दिए, फिर भंगी का हमारे ऊपर डाल दिया। तुम जब महीने का सारा ले रहे हो तो क्या ले रहे हो, क्या कर रहे हो तुम यहाँ पर, देखे ना क्या ले रहे हैं ये। आंटी, ये तो किसी भी वक्त, खुदा ना खास्ता, मैं किसी वक्त भी गिर जाएगी ये बिल्डिंग। नहीं, पूरी बिल्डिंग नहीं गिरेगी, आप इसमें नहीं रहे, बिल्डिंग पूरी नहीं गिरेगी जब तक ये टंकियों का निज़ाम सही नहीं होगा, पानी की लाइनें सही नहीं होंगी। ये बिल्डिंग इतनी मजबूत है ना, ये जो सामने बन रही है ना, ये कुछ भी नहीं है इसके सामने, हकीकत है। देखो, कोई वो नहीं है, मैं किसी की वो नहीं कर रही, अपने इसकी सेफ्टी के लिए बोल रही हूँ, हमारी सेफ्टी होनी चाहिए और कुछ नहीं। कचरा भी इतना कचरा हो गया कि वो एक फ्लोर तक फ्लोर बन गया कचरा। अब ये चीज़ जो देखेंगे वो आगे वाले भी देखेंगे, जो बिल्डिंगों को देखते हैं और गिराते हैं, वो तो आ जाएंगे बिल्डोजर लेके और ये लेके कि भाई गिरा दो। ये नहीं देखेंगे इनके बच्चे कहाँ जाएंगे, इतने सालों का पैसा लगाए हुआ रह रहे हैं, कहाँ दे, तुम दे दोगे इस फ्लैट के पैसे इतने के जो हम जाके दूसरी जगह ले लें, ये भी तो देखें ना। अब आप चाहती हैं कि यूनियन काम करे, यूनियन काम करे या यूनियन हट जाए। ये अदनान साहब हैं, ये भी यहाँ के रिहायशी हैं। भाई, ये तो बहुत ही बुरा हाल है, ये देखें, ये तो झड़ रहा है, ये देखें, ये अभी ये कह रही थी कि सुबह ही गिर रहा है। ये भाई, हम खुद भी देखते हैं इसको, हम लोगों ने भी देखा है, कितने लोगों को यहाँ पे हमने सबको ही बोला है, घरों से बुला बुला के हम तो बोलते हैं कि भाई इसका मसले का हल कराओ। यूनियन के लोग भी आते हैं, वो भी देख के आते हैं, उन्हें भी बोला है, वो भी कुछ नहीं इसके लिए करते। कचरा भी लोग फिर ये इसमें सब कचरा जो है वो यहीं से फेंक रहे हैं ना, ये कचरा कोई बाहर से तो आगे फेंक नहीं रहा, ये डक में पूरा फेंक रहे हैं, तो कचरा आ रहा है ना यहाँ पे, ये हम ही लोग फेंक रहे हैं, कोई बाहर से तो आगे। कितने साल हो गए जो ये मसला है, अभी तक हल नहीं हुआ यूनियन ने? लग रहा है जब से बिल्डिंग है जब से ये मसला हल है, ये नहीं हो रहा है ये मसला हल, जब से ये सब कुछ चल रहा है यहाँ पे। अच्छा, ये देखें, ये पूरा जो है ना, ये आपको आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सरिये दिख रहे हैं, ये झड़ रही है, ये जो पूरी टेढ़ी हुई भी हम कह सकते हैं, दर्राड़े पड़ चुकी हैं, किसी भी वक्त खुदा न खास्ता किसी भी वक्त ये हादसे का शिकार हो सकती है। सबसे बड़ा मसला ये है, देखें कि सबने लाइनें यहाँ जो है सब इधर छोड़ी हुई हैं, ये कोई सेवरेज का इंतज़ाम नहीं हुआ यहाँ पे, सबकी लाइनें यहाँ से बाहर आई हुई हैं, तो इस वजह से ज़्यादा पानी यहाँ गिरता है, सब कचरा ही नहीं, यहाँ नीचे आपने देखा नहीं, देखा आपने तो बस। अच्छा, ये आप हम दिखा रहे हैं ये सारा, ये देखें, ये सब है, ये 4 फ्लोर है, बहुत बड़ी, मैं कह रही हूँ ना आपको, ये बहुत बड़ी बिल्डिंग है और हर जगह का ये हाल है, ये दराड़े पड़ चुकी हैं, इसमें से जो है ना वो टेढ़ी हो चुकी है, ये तकरीबन ये जो फ्लोर है ये टेढ़ा हो चुका है, और ये देखें दराड़े, और ये राइट साइड पे डक है और डक में इतना कचरा है, मैं चढ़ के देखना चाहती हूँ, ये देखें, और मैं कैमरामैन को भी बोलूँगी कि वो देखें, ये डक है और डक पे इतना कचरा है कि हम देख सकते हैं,
जो फर्स्ट फ्लोर का जो सरफेस है, जिसको कह सकते हैं फर्स्ट फ्लोर है, वहाँ तक कचरा आ गया है। और आप ये देखें कितना कचरा है। मैं कैमरामैन को बोलूँगी यहाँ चढ़ें और दिखाएं। और ये आप देख सकते हैं इसमें भी दरारें पड़ चुकी हैं, लाइनें बिल्कुल टूट चुकी हैं। किसी भी वक्त ये बिल्डिंग में कोई भी हादसा पेश आ सकता है। नीचे फर्स्ट फ्लोर पे भी हम देख सकते हैं कि दरार है और बहुत कचरा है और ताफन फैल रहा है, बदबू आ रही है। ये जिस तरह से आप देख रहे हैं ऊपर भी ये दरारें पड़ चुकी हैं। और जो बिल्डर होता है वो प्लास्टर करके देता है, मगर यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। कानून नाम की कोई चीज़ को इस्तेमाल करते हुए ये बिल्डिंग नहीं बनाई गई है और ये पुरानी भी हो गई है। बहरहाल अब जो हाल है वो हम आपको दिखा रहे हैं। अच्छा, ये हम फोर्थ फ्लोर से नीचे आए हैं थर्ड फ्लोर पर, तो थर्ड फ्लोर पर भी सेम सिचुएशन है, कोई सिचुएशन गलत नहीं है। थर्ड फ्लोर का भी यही हाल है। ये देखें आप, ये देखें, ये झड़ रही है बिल्डिंग। सीढ़ियाँ से जो है ना, वो जो मलबा होता है जो सरी के साथ डाला जाता है जिससे बिल्डिंग खड़ी होती है, सब गिर रहा है, पत्थर गिर रहे हैं यहाँ पर। ये दरार पड़ गई है, ये आगे पीछे सब दरार पड़ी हुई है। और ये सामने वाली सीढ़ी का भी यही हाल है, बिल्कुल दरारें पड़ चुकी हैं। ये कैमरा आपको सच दिखा रहा है। और SBCA से मैं फिर रिक्वेस्ट करूँगी, वैसे अपील करूँगी मुकदमा न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से कि ये मखदूश सूरत हाल है इस बिल्डिंग की। और यहाँ पर आएँ, टीम को लेकर आएँ SBCA वाले, और यहाँ की हालत देखें। अगर ये मेनटेन हो सकते तो ठीक है, वरना कोई कार्रवाई करें, वरना खुदा ना खास्ता कोई भी अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता यहाँ पर कोई भी हादसा पेश आ सकता है। और मुकदमा न्यूज़ आपको ये दिखा रहा है, सच दिखा रहा है, और हमारा काम है, हम सच दिखाएंगे और दिखाते रहेंगे। अच्छा, हमने फोर्थ फ्लोर दिखाया, थर्ड फ्लोर दिखाया, अब सेकंड फ्लोर पर हम मौजूद हैं और सेकंड फ्लोर का भी वही हाल है। ये देखें आप, ये देख रहे हैं, ये देखें सीढ़ियों का यही हाल है, दरारें पड़ चुकी हैं। अब आप मेरे अगर उल्टे हाथ पर देखें तो उल्टे हाथ का भी यही हाल है। वो आप देखें कि वो किसी भी हादसे का शिकार हो सकती है सीढ़ी। मैं फिर बोलूँगी कि खुदा रहा इस पर एक्शन लिया जाए। ये आप ये देखें, ये दिखेगा जी, ये देखें, ये फोर्थ थर्ड सेकंड नाउ दिस इज सेकंड फ्लोर, और यहाँ की हालत भी यही है। अब हम नीचे जा रहे हैं थोड़ा सा और हम दिखाएंगे आपको फर्स्ट फ्लोर का हाल। अब ये देखें आप, मैं दिखा रही हूँ आपको, ये हाल है। अच्छा, एक चीज़ ठीक है, मैं कहती हूँ कि इदारों की गफलत होती है, मगर यहाँ की आवाम भी ऐसी है। ये हाल है, आप ये देखें, ये हाल है, ये लोग रहते हैं यहाँ पर किस तरह रहते हैं गंदगी में और अपनी जान को खेल कर यहाँ ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। ये फर्स्ट फ्लोर पर हम मौजूद हैं और फर्स्ट फ्लोर का हाल दिखाया है, तो फर्स्ट फ्लोर का भी यही हाल है। रिहायशी है यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप जिस तरह से यहाँ आप लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो किसी भी वक्त कोई भी हादसा पेश आ सकता है, क्योंकि दरारें पड़ चुकी हैं इस बिल्डिंग में। तो ये हम लोगों का तो नहीं है ना, हमारे से यूनियन पैसे जो हर महीने लेके जाती है, तो ये उनका काम है ना करना, ये हमारा तो काम नहीं है ना। आप देख लिए इस जीने की क्या हालत हो रही है ना। आपने नीचे भी देखा, जीनों में गंदगी हो रही है, ऊपर भी देखा है नीचे भी देखा है, तो ये काम उनका है, हमारा नहीं है। यूनियन अब क्या कहती है आपसे? वो हमें कहते बस पैसे आके लेके चली जाती है, वो कहती हम नहीं करते, ये हमारा काम नहीं है। बिल्कुल, मैं जिम्मेदार तो यूनियन को ही ठहराऊंगी, क्योंकि वो पैसे ले रही है इनसे, पैसे पाबंदी से लेके जाते हैं, लेकिन कोई हल भी तो निकालते हैं ना। पाबंदी से लेके जा रहे हैं और ये मखदूश सूरत हाल हो गई है इस बिल्डिंग की, और मगर पैसा लेकर जा रहे हैं और कोई काम नहीं हो रहा। इसका मतलब है कि यूनियन जिम्मेदार तो है, मगर हम ये कहेंगे इदारों से कि वो भी इस बिल्डिंग के खिलाफ एक्शन ले। ये हाल क्यों हो, गलत कह रही हूँ मैं? अगर जिम्मेदार हों तो ये ऐसी हालत क्यों हो, बस उनको पैसे चाहिए। ये कुछ यहाँ के जो हैं दुकानदार हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। ये तो ऊपर तो बहुत बुरी हालत है, मखदूश सूरत हाल हो गई इस बिल्डिंग की, किसी भी वक्त भी कोई हादसा पेश आ सकता है, तो आप लोग एक्शन नहीं ले रहे हैं कि अगर खुदा ना खास्ता ऊपर कुछ हुआ तो दुकानों पर भी जाहिर से बात उसका तो मलबा गिरेगा, या अल्लाह ना करे कोई हादसा पेश आ गया तो क्या करेंगे जी? देखिए, इंतज़ामिया इधर की ऐसी है, जब पैसे लेने होते हैं आ जाते हैं। यूनियन कह रही है, रिहायशी कह रही है, यहाँ पर खवातीन कह रही है यूनियन पैसे लेने आती है, उसके बाद भूल जाती है। पैसे लेने आती है और कोई इधर तवज्जो नहीं है उनकी, पैसे ले लिए पानी के, पैसे ले लिए पानी नहीं आ रहा, लाइट ख़राब है उसके पैसे ले लिए लाइट नहीं आ रही, खुद करना है इधर जो भी करना है आवाम में। यूनियन वालों से कई बार, अभी आप जिस तरह देख रहे हैं ये हम खड़े हैं और ऊपर से भी कचरा आ रहा है। खैर, यहाँ पर रिहायशी भी थोड़े से उस तरह के लोग हैं कि वो कचरा भी फेंक रहे हैं, सब कुछ फेंक रहे हैं, मगर कोई बात नहीं, हमें सिर्फ ये दिखाना है कि खुदा ना खास्ता कोई जानी नुकसान ना हो। गटर का पानी खूब भरता है यहाँ से, ऊपर से ब्लॉक गिरते हैं बिल्डिंग के, आपने देखा हो ऊपर जाके कितने ब्लॉक सारे गिरते रहते हैं यहाँ पर,
गटर की लाइन है, पूरा पानी दुकानों में भरता है, कोई करवाने वाला यहाँ कोई नहीं है। यहाँ पर यूनियन को आप भी पैसे देते हैं? नहीं, हमारे नहीं जाते, कचरे के जाते खाली पैसे दुकानों के पास। मगर कचरा तो यूं जू का तू है आपकी दुकान के पास भी हम देखें। हाँ, हम तो ये खुद अपनी सफाई करते हैं, भंगियाँ आते नहीं यहाँ पर। तो जिस तरह से आपने ये जीनत स्क्वायर को देखा, और मैं इस वक्त जीनत स्क्वायर के बिल्कुल छत पर खड़ी हूँ, और ये हम ऊपर से भी देख सकते हैं कि तबाहाली का शिकार है ये जीनत स्क्वायर, और काफ़ी फ्लैट्स हैं, काफ़ी सौ फ्लैट्स हैं इसमें, और ये बहुत बड़ा फ्लैट है, और ये बहुत बड़े पैमाने पर फैला हुआ है, और लोगों की तादाद भी, फैमिलीज़ की तादाद भी बहुत ज़्यादा है। हम SBCA से अपील करना चाहते हैं, रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, और उनसे ये कहना चाहते हैं कि जीनत स्क्वायर आए यहाँ पर, FC एरिया का ये इलाका है, और ये जो जीनत स्क्वायर इसको देखें, ये बहुत तबाहली का शिकार है, किसी भी वक्त कोई भी हादसा पेश आ सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका मसला हाईलाइट हो और आपका मसला हुकामे वाला तक पहुंचे, तो मुकदमा न्यूज़ की टीम से राब्ता करें, हम आपका मसला हुकामे वाला तक पहुंचाएंगे और उसको हल भी करवाने की कोशिश करेंगे। अगर आज आपको हमारा शो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। मुझे फातिमा अख्तर को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।